सुना था कि हम श्रवण करेंगे महाभागवत चरित्र, जिसमें श्री गुरु महाराज जी तथा अन्य वैष्णवों का चित्रण हो। इसके अलावा मैंने एक बात कही थी, हम लोग चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण करेंगे। ये चार श्लोक भगवान ने आदि काल में ब्रह्मा जी को कहे थे। ब्रह्मा जी भगवान की सृष्टि के सर्वप्रथम जीव हैं। जीव शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। किसी किसी को लगेगा कि ब्रह्मा जी भगवान हैं, उनको जीव कह दिया। शिव जी भगवान हैं, हनुमान जी भगवान हैं, भगवान शब्द नारद जी के लिए भी बोला गया, कपिल जी के लिए भी बोला गया, वेद व्यास जी के लिए भी बोला गया, सुखदेव जी के लिए भी बोला गया। भगवान शब्द अक्सर हम लोग संत भगवान, गुरु भगवान, उनके लिए भी बोल देते हैं। ईश्वर कोटि ब्रह्मा और जीव कोटि ब्रह्मा, दो ब्रह्मा है। जो ईश्वर कोटि ब्रह्मा है वो भगवान की नाभि कमल से निकले हैं, और जो जीव कोटि ब्रह्मा होते हैं, हमारे आप जैसे मनुष्य जो इस संसार सागर में 10,000 बार जन्म लेकर के अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हैं। वर्ण आश्रम, वर्ण का मतलब होता है रंग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण हैं। इन वर्ण का और आश्रम का पालन करते हुए, आश्रम का मतलब होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये चार आश्रम हैं। इनका जो पालन करने वाला कोई श्रेष्ठ जीव 1,000 जन्म तक पालन करे तो उसे ब्रह्मा का पद मिलता है, अर्थात उसको सृष्टि करने की योग्यता मिल जाती है। वो सृष्टि कर सकता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं, आप गए तो उन्होंने आपको देखते ही बोल दिया, हाँ क्या सोच रहे हो, ये सोच रहे हो, आ जाओ तुम्हारी पूरी कर ही देते हैं। आते ही आपको आपको लगता भगवान है। तो छोटी छोटी सिद्धियां जिनका तप होता है, त्याग होता है, अपने शरीर पे वश होता है, इंद्रियों पे जिसका कंट्रोल होता है, जिसका जो उनका स्वामी होता है, उसके अंदर ये छोटी छोटी रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं। हम लोग वो जने खड़े चलते फिरते पीर फकीर को ही भगवान बोल बैठते हैं, और हैरानगी की बात है कि मंदिरों में हम उनको भगवान की तरह पूजा करने लगते हैं। ये दुर्भाग्य है। आज ही मेरे पास में किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी, कुछ साल पहले जेल में था, 7-8 साल जेल में रहा दुराचार के केस में, उसको उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, साउथ इंडियन, नित्यानंद नाम उसका, स्वामी नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद नहीं, इस स्वामी नित्यानंद, अभी की बात है। जब वो 7-8 साल जेल में रहा, उसके बाद जब बाहर आया
लोगों को हिप्नोटाइज करता था, हिप्नोटाइज जानते हैं, सम्मोहन करता था। करते करते उस व्यक्ति ने एक टापू खरीद लिया, टापू पहाड़ी सा टापू सी खरीद लिया और उसका नाम रख दिया कैलाश। लोगों में भ्रम फैलाया कि 71 करोड़ 50 लाख आदमी उसकी पूजा करते हैं, 715 मिलियन लोग उसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से उसने लोगों में अपना प्रचार फैलाना शुरू किया। विदेशियों को कुछ समझ नहीं, कुछ लोग उसके पीछे पड़े और आज वो इस प्रकार से सजता है कि मानो शिव ही है। ऐसा सुंदर श्रृंगार, कभी नारायण बन करके खड़ा हो जाता है, कभी शिव बन के खड़ा हो जाता है। कोई भी हमारा सनातन धर्मी नहीं है जो कि इसका विरोध करे। मैंने बोला इसके ऊपर केस करो कि ये सनातन धर्म के ईश्वरों का मजाक उड़ा रहा है, लोगों को, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। ऐसे लोग थोड़ा सा कुछ सम्मोहन जान गए, थोड़ी सी कोई क्रिया जान गए, लोगों को बेवकूफ बना करके उनका धन, उनका सब कुछ हरण कर लेते हैं। ऐसे जीव नहीं, इन्होंने निश्चय ही पहले जन्मों में कोई कर्म ऐसे किए थे जिसका फल ये मिला कि वह सिद्धि प्राप्त किए। लेकिन ये ऐसे ब्रह्मा नहीं होते, ऐसे शिव नहीं होते कि 10 आदमियों ने बोला कि आप तो भगवान हो और मान लिया मैं भगवान हूं। मैं जब बच्चा था, जब मुंडन कराता था, हाथ खड़े करके नाचता था तो लोग कहते थे आप तो महाप्रभु लगते हो। हमारे लिए तो चैतन्य महाप्रभु दिखाई दे गए, रोने लग जाते कई लोग। मैं सिर को पीटता, दुर्भाग्य है तुम्हें महाप्रभु का दर्शन कभी नहीं होगा। क्यों? तुम महाप्रभु को कीर्तन में देखो, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी मनुष्य को महाप्रभु देख लो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भगवान कृष्ण की शक्ति सभी जीवों में विद्यमान है, विराजमान है, ये तो ठीक है, लेकिन सारे जीव में किसी एक को आप भगवान बोल करके पूजा करने लग जाओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। तो आदि काल में जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु की नाभि कमल से प्रकट हुए, आदि देव ब्रह्मा, उस वक्त भगवान विष्णु ने उनसे कुछ कहा था। कब कहा? जब उन्होंने उनकी तपस्या की। कैसी तपस्या की वर्णन करते हैं शास्त्रों में। उस महारणव, महार अर्णव का, अर्णव शब्द का मतलब होता है समुद्र। उस महारणव में जो दूध का समुद्र था, उसके भीतर नीचे और ऊपर एक नाल, एक कमल नाल देखी उन्होंने, और उस कमल नाल के ऊपर और नीचे जाते हैं 14 लोक वहां पे उन्हें दिखाई दिए, लेकिन कोई नहीं है उसमें, कोई सृष्टि नहीं हुई। हजारों साल घूमते रहे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उन्हें कोई नजर नहीं आया कि आखिर है तो है कौन, आदि कारण कौन है। जब समझ नहीं आया तब शरणागत हुए। शरणागत का मतलब होता है भगवान जो भी हो, जैसे भी हो, मैं आपका हूं, आप मुझे स्वीकार करें, आप मेरे हैं, आप कौन हैं, मैं आपको कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कुछ भी नहीं जानता हूं, ऐसी भावनाओं को प्रकट किया। शब्द प्रकट नहीं हुए अभी, वाणी प्रकट नहीं हुई, केवल हृदय से भाव प्रकट हुए। उन भाव में अनंत देव भगवान शेष
अनंत देव के मुखारविंद से कुछ बूंदें उस समुद्र के अंदर टप 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 करके अमृत की गिरी। उससे उनको वो सुनाई दिया शब्द। कल्पना कीजिए, आदि काल में पुराना बिल्कुल शांत अवस्था में जब कोई शब्द सुनाई दे तो ध्यान तो वहां जाएगा। ऐसा ध्यान गया कि उन्हें अपने शरीर की सुध-बुध ही नहीं रही कि मैं कौन हूं, किसको ढूंढ रहा हूं, कुछ नहीं। ये शब्द कहां से आया? उसके लिए इतना तनलग्न हो गए तो उनको सबसे पहले बीज मंत्र प्रदान किया अनंत भगवान ने। ये जो हम एक बार में बोल जाते हैं ना ओम, ये बहुत वर्षों तक ये साउंड ऐसे चलता रहा, बहुत सालों तक यही शब्द चलता रहा। जब यही शब्द चलता रहा उसकी तरफ पूरी तरह ध्यान रहा उनका कि ये क्या है, और उस ध्यान के साथ उनको बोलना आया। उससे पहले सुना नहीं तो बोलेंगे क्या। उसी मंत्र के साथ में उन्होंने उसका ध्यान शुरू किया। कैसे ध्यान शुरू किया? उस शब्द के साथ उन्होंने अपने आप का जो स्वर था उसे मिला दिया। यहीं से उत्पन्न हुई नाद बिंदु उपनिषद। नाद एक बिंदु स्वरूप से प्रकट हुआ और वह नाद से, उस शब्द से, उस बिना बजाई हुई आवाज से सारी सृष्टि का मूल भगवान जो तत्व हैं वो उनके अंतःकरण में प्रकाशित होने लगे। ये ब्रह्मा जी की बात है। बहुत लंबे समय तक इसी प्रकार से ध्यान करते 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 सबसे पहले उनके जो अंतःकरण में अंधेरा था वो छट गया। भीतर से प्रकाश बाहर निकलना शुरू हुआ। स्वयं को देखा आलोकित स्वरूप, प्रकाशमान स्वरूप, दिव्य स्वरूप। अभी तक अपने आप को दंग से देखा नहीं था क्योंकि अंधेरे में, ऐसे अंधेरे में बाहर उजाला भीतर अंधेरा, ऐसे अंधेरे में जीव क्या देखेगा। लेकिन जब भीतर उजाला हो गया तो बाहर देखने का दिव्य भाव उत्पन्न हुआ। फिर वो सोचने लगे शायद मैं ही कारण हूं, लेकिन नहीं, ये शब्द कहां से आ रहा है, वो है कारण। तो नाद बिंदु उपनिषद प्रकट हुई। उपनिषद प्रकट होने का मतलब नाद की महिमा उन्होंने समझी, और नाद की महिमा को समझते हुए उन्होंने कहा कि जो भी सृष्टि हो रही है, जो कुछ भी हुआ है, अभी तक जो कुछ देखा है वो इसी शब्द की महिमा है। तब ब्रह्मा जी ने, मैंने कल निवेदन किया था,
जिसके पैरों में दर्द होता है वो कृपया कुर्सी पे बैठ जाए। जिधर व्यासासन होता है उधर पैर नहीं करने चाहिए। और जो हमारे जवान बच्चे अगर कुर्सी पे बैठे हैं, जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाए। उससे क्या होगा कि किसी का अपराध नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी की ये सृष्टि ध्यान दीजिए, कल मैंने बोला था कम खा के आना, समझने के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, समझिए कठिन है। अपने आप को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने जो प्रयास किया हमें भी करना चाहिए। आप लोग जितने भी लोग हो यहां पे, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, आप इस बात को तो मानते हो कि आप हो, मानते हो ना? कैसे हो ये पता ही नहीं, ऐसे हो ये तो बिगड़ रहा है, ये तो हर रोज बिगड़ रहा है। एक महीने बाद जो आपकी ये स्किन इस वक्त है ये बदल चुकती है, साइंस कहती है, विज्ञान इस बात को बोलता है, प्रत्येक पल में बदल रही है, लेकिन एक महीने बाद पूरी तरह बदल जाती है। तो कौन हो, कैसे हो, दिखते कैसे हो, क्या ज्योत स्वरूप हो या कुछ आकार है? अगर आकार है तो कैसा है? ये बातों का अगर आपको कभी जिज्ञासा जगे, मैं कौन हूं, आया कहां थे, सैर करने था यहां था, सैर करके लौट जाना युक्त मुझको फिर वहां, मैं सैर करना भूल कर निज घर बना के रुक गया, हाय हाय याद क्यों ना किया घर को, परदेश में क्यों टिक गया। ऐसे कभी ख्याल आ जाए हमारी तरह, तब आप ब्रह्मा जी की इस बात को ध्यान करना कि गुरु जी के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, उस मंत्र में मन में तरंगे उत्पन्न होती हैं। दो तरह के मंत्र होते हैं, एक मंत्र होता है जिसे उच्चारण किया जाए। लोगों ने आजकल गायत्री को महामंत्र कहना शुरू कर दिया है, लेकिन गायत्री शब्द के आगे महामंत्र कभी भी कोई भी वेद में नहीं लिखा हुआ। महामंत्र उच्चारण किया जा सकता है, हरे कृष्ण ये उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जो गायत्री परिवार के अग्रणीय थे उनमें तिवारी जी बोल करके एक हुए, उनसे मेरा वार्तालाप हुआ था। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, गायत्री का उच्चारण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जिसकी गायत्री, जिसके 32 लाख मंत्र जिसने जप करके सिद्ध किए हों एक आसन पे बैठ के, मतलब हर रोज अपने आसन पे बैठता है, एक नियमित संख्या करता है, 32 लाख मंत्र जिसने जप किए हों, उसको गायत्री उच्चारण करने का अधिकार है। या जो गुरु जी की कृपा से इस संसार में गायत्री को देने के लिए आए हों, गुरु कृपा से, उन्हें गायत्री उच्चारण करने का अधिकार है, अन्यथा सबको नहीं। क्यों जी, ये तो अच्छा मंत्र है। तो कहते मंत्र का मतलब नहीं समझते, इसलिए आपने उसे तंत्र बना दिया। ध्यान दीजिएगा शब्दों के ऊपर, बहुत ध्यान रखना। मंत्र तंत्र, मंत्र मन को त्राण करे, त्राण मतलब परित्राण, उद्धार करे। मंत्र मन में तरंगे पैदा करे, उसे कहते हैं मंत्र, ठीक है जी। तंत्र किसे कहते हैं, तन में तरंगे पैदा करें। जो हम उच्चारण करते हैं वो तंत्र बन जाता है, और तंत्र का फल हमेशा अच्छा नहीं होता। जो वैष्णव तंत्र है जिसमें तिलक मजीरे भगवान का नाम, तन से किया गया कोई भी कर्म जो भगवान के लिए प्रयोग में आता है, तन से किया गया कोई भी कर्म जो भगवान की सेवा में लगता है, वो वैष्णव तंत्र के नाम से हमारी श्रुतियों में, वेदों में उसका व्याख्यान है। ब्रह्मा जी ने
जो नाद का संग किया, प्रथम उनको स्वयं का जागरण हुआ, मैं कौन हूं ये पता लगा। आप अगर चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो आपको मंत्र का ध्यान करना होगा। मंत्र का ध्यान, उनमें जो तरंगें होती हैं, मंत्र के अंदर तरंगें होती हैं, उनका ध्यान करना होगा। उसका ध्यान करते करते अंतःकरण जागृत होगा। कई लोग मुझसे संबंधित, कुछ लोग गुरुजी से संबंधित, कुछ लोग, उन लोगों को कुछ शरीर में हलचल होती तो घबरा जाते, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ऐसा क्यों। अरे ये तो होना है, दिल की धड़कन यहां होती है, यहां ना धड़क करके यहां धड़कने लग जाए, माथे पे धड़कने लग जाए, पेट में धड़कने लग जाए, नाभि में धड़कने लग जाए, ये तो होना है। क्यों होना है? क्योंकि जब तुम जगोगे तब अपनी प्रेजेंस बताओगे कि इस बॉडी के अंदर हो कहां पे। तो मंत्र का काम है मन में तरंग उत्पन्न करके जीवात्मा को जगा देना। जब जीवात्मा जगती है तो उसके अंदर जो शक्तियां जगती हैं, उन शक्तियों को कुंडलिनी कहते हैं। इसके बारे में योग शास्त्रों में बहुत वर्णन है, वैष्णवों ने इसका ज्यादा वर्णन नहीं किया, इसको केवल राधा रानी का एक नाम बोल करके छोड़ दिया। राधा रानी का एक नाम कुंडलिनी, इतना बोल के छोड़ दिया। आनंद प्रदायिनी, ब्रह्मा जी की वो शक्ति जागृत हुई। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कौन, दिव्य स्वरूप देखा। ब्रह्मा जी देख के अचंभित हो गए कि मैं ऐसा हूं, तो ये शब्द जहां से आ रहा है वो शब्द उच्चारण करने वाला कैसा होगा। फिर ध्यान में बैठ गए, अपने आप को भूल करके, पहले शरीर को भूले, फिर उनके मन में उत्पन्न हुआ वो शब्द जो उसका सहारा लिया, तो मन को भूल गए। अब जब स्वयं को देखा तो स्वयं को भूल गए। बोलो वृंदावन। ऐसी स्थिति में पहुंचे कि ब्रह्मा जी अपनी आत्मा को भूल गए, मतलब स्वयं को भूल गए और आत्मा राम हुए। ध्यान देना, आत्मा राम दो शब्द हैं, आत्मा, इसका अर्थ जो आत्मा में रमन करे, घूमे, विचरण करे, उसके साथ रहे, उसे कहते आत्मा राम। आत्मा के साथ जो रमन करे, क्रीड़ा करे, रहे, उसमें घूमे, उसी के साथ प्रेम करे, राम मतलब ये अर्थ होता है। ठीक है जी। ब्रह्मा जी उस आत्मा राम सुख में प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात अपने आप को भूल करके भगवान में रमन करने। अब आत्मा में राम दो शब्द हैं, तो कौन सी आत्मा में रमन करने लगे ब्रह्मा जी? दूसरी आत्मा होगी तभी तो रमन करेंगे, एक में एक रमन कर रहा तो दो हुए ना। आत्मा राम का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप में रमन करने लगे ना, खुद आत्मा में, तो वो दूसरी आत्मा हुई परमात्मा। पर मतलब दूसरा, पर के दो बहुत से अर्थ हैं, एक अर्थ है दूसरी, पर मतलब कहते हैं पर आदमी, पर पुरुष, पर स्त्री, तो पर मतलब दूसरी आत्मा में रमन होने लगे। कैसे? अपने उस दिव्य स्वरूप को भूल करके जब उन्होंने उस शब्द का ध्यान पुनः किया जिससे जगे थे, पुनः करने से वह शब्द बहुत विस्तृत स्वरूप से प्रकट हुआ, अत्यंत दिव्य प्रकाश के द्वारा आलोकित हुआ, ऐसा ऐसा दिव्य कि वो देख करके एकदम उनके अंतःकरण में ये भावना जगी कि ये इसको मैं क्या बोलूं, इसको मैं क्या कहूं। अखंड मंडलाकारम व्यक्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम मन्ने। वो अखंड मंडलाकार, बहुत विस्तृत मंडल आकार में उस रूप को देख करके, उस ज्योति को देख करके ब्रह्मा जी
शरणागत हो गए कि हे प्रभु आप कौन हैं, त्राही मां। अभी तक शब्द बोलने नहीं आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी तक वाणी में शब्द नहीं आए हैं, केवल मंत्र सुनाई दिया है प्रणव। और फिर जब वो ज्योति दिखलाई दी, भगवान का वह दिव्य अनंत प्रकाश दिखलाई दिया, तो अपने प्रकाश, अपनी आत्मा का प्रकाश जो है उसमें वह प्रवेश कर गए। और जैसे ही वह प्रवेश किए, प्रवेश करते ही उनको वहां पे दिव्य दिव्य शब्द सुनाई दिए। और वो दिव्य दिव्य शब्द कौन बोल रहे थे? अनंत देव बोल रहे थे। वो अनंत देव मानो ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हों कि तुम्हारे को शब्द मैं सुनाता हूं। और अनंत देव ने उन्हें क्या शब्द दिए? सबसे पहले ब्रह्म गायत्री प्रदान की। ब्रह्म गायत्री जैसे फेंटन गंज गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल वाते गाते हैं, बोलना नहीं चाहिए उन लोगों को, बचपन से बुलाते हैं। गायत्री का कुछ नियम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गायत्री के नियम हैं कि गायत्री बिना आसन के, बिना आचमन के, आसन वस्त्र शुद्धि, आचमन बिना के गायत्री जप भी नहीं करना चाहिए, उच्चारण तो छोड़ ही दीजिए। बिना नागा करना चाहिए, कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन ना की गई हो, गायत्री रोज करनी चाहिए। लेकिन स्त्रियों की अपवित्र अवस्था होती है, स्त्रियां पवित्र सब समय नहीं रह पाती हैं, ऐसे समय में अगर कोई गायत्री जप करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए स्त्रियों के लिए गायत्री जप मना है, कीर्तन मना है। मेरे से एक माता जी बोली, कोई 60-70 साल की, हम तो कर सकते हैं जी, हम तो अपवित्र रहते नहीं। मैंने कहा आप कर सकते हो, आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन सिर्फ यही है कि अगर आप करेंगे तो आपके बच्चे देख करके कि हमारी दादी ने किया, हम क्यों नहीं कर सकते, उनकी समझ में नहीं आएगा कि शरीर में अगर मल मूत्र लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, शरीर में अगर मल मूत्र लगा हुआ है तो उस मलमूत्र वाली अवस्था में इन वैदिक मंत्रों का जप नहीं किया जाता। इसके लिए प्रिकॉशन ली जाती है, आसन पे बैठ के किया जाता है। तो ये बात तो उस समय ब्रह्मा जी के अंतकरण में, तो ये सब बातें बाद में ऋषियों ने दी हैं। गायत्री प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी उस गायत्री में प्रवेश कर गए, तब ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा कि जहां पे वो भूमि भ जन सत्य तप ये जो लोक हैं, उन लोकों में दिव्य दिव्य शक्तियां हैं, वो शक्तियां अभी प्रकट नहीं हुई हैं, ये प्रकट करता कौन है? तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। बोलो भगवान विष्णु की, श्रीमन्नारायण भगवान की। तब भगवान ने उनसे ये चार श्लोक कहे। ये चार श्लोक मैंने कल बोला था, चारों वेदों की जड़ है, चारों वेद इन्हीं से प्रकट हुए हैं। इन्हीं चार श्लोकों से श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक प्रकट हुए हैं। क्या कहते हैं भगवान? अहमैवासमेव ग्रेण अन्यत् यत् सद् असत् परम् पश्चादहं यतच्च यो अविशिष्यते सो अस्मि अहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, भगवान कह रहे हैं, मेरे अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म और ना ही दोनों का कारण अज्ञान, यहां तक कि कोई भी सृष्टि नहीं है। जहां कोई सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं,
इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है और जो कुछ भी बचेगा वो मैं ही रहूंगा। ये बात भगवान ने बोल दी और आपकी समझ में आ गई, हो गया काम। इतना आसान नहीं है। इस एक श्लोक के ऊपर 27 दिनों तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने प्रवचन किया था। 27 दिनों तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उन्होंने प्रवचन किया था। उन्हीं के शिष्य हैं जो इस्कॉन के श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्हीं के शिष्य हैं हमारे भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज। तो उन महापुरुष ने 27 दिनों तक केवल एक श्लोक की व्याख्या की, और आप क्या एक घंटा सुन पाएंगे इस श्लोक की व्याख्या को? वो कुछ हो और बोलो, इतने फंस गए बाबा जी। था लगता है ना ऐसा। भगवान कहते अहम एव, मैं ही वास, मैं ही एकमात्र अवस्थित था। कब? समय वेवग्रे, जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके दिखने से पहले मैं ही था। ब्रह्मा जी को जो लोक दिखाई दिए थे, वो लोक दिखने के बाद में अब उन्हें दिखने लगा कि ये कुछ है ही नहीं। पहले तो लोक दिखाई दिए, अब दिखने लगा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते इसके पहले मैं था, तो उनको पहले का दिखाई देने लग गया। क्या? जब कुछ भी नहीं था तब मैं ही मैं था। अब ध्यान दीजिएगा एक बात को, ये निराकार नहीं बोल रहा है कि निराकार बोल रहा है जी मैं था। निराकार क्या बोलेगा? भगवान बोलते हैं मैं था, बोलने वाला वहां पे विराजमान है। कई लोग बोलते हैं ना कि सृष्टि स्थिति लय से पहले वो ब्रह्म, वो ज्योति ही थी केवल, और ज्योति के अलावा कुछ भी नहीं था। अरे बाबा, ज्योति के भीतर जो हैं उनका दर्शन ब्रह्मा जी ने किया है अभी, और ज्योति के जो भीतर हैं वो बोल रहे हैं, वो शब्द सुनाई दे रहे हैं, उनको दर्शन हो रहे हैं, दृश्य है सामने। निराकार नहीं बोल रहा है, निराकार कभी बोलता भी नहीं है, निराकार का अनुभव होता है मात्र। आकार होगा तब शब्द होगा। तो अगर शब्द है और आप केवल प्रकाश देख रहे हो तो समझना कि अभी तक आप उनके चरणों में पहुंचे नहीं हो। तो निराकार जो ब्रह्म ज्योति है, उस ज्योति के भीतर से शब्द आ रहा है। तुम्हारी वो समर्थ नहीं है कि उस ज्योति के भीतर देख सको, तो शरणागत हो जाओ। इसीलिए तो कहते हैं ज्योतिरभ्यंतर यतुलम श्याम सुंदरम, उस ज्योति के भीतर अत्यंत अद्भुत सुंदर श्याम विराजमान है। भगवान की जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। भगवान की कथा सुन रहे हैं, ब्रह्म की कथा नहीं सुन रहे। भगवान और ब्रह्म में अंतर है। ले, आज तक तो किसी ने बोला नहीं ब्रह्म और भगवान में अंतर, आप बोलने लगे। मैं नहीं बोलना। वदन्ति तत्वविदस् तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। उस परम तत्व को तत्वविद व्यक्तियों ने, परम तत्व मतलब जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता को तीन जनों ने अपनी अपनी स्थिति के अनुसार देखा। जिन्होंने देखा उन्होंने सही देखा, और जितना उन्होंने देखा उतना उन्होंने सही बोला। एक ने देखा अखंड मंडलाकार व्याप्त जो चराचर में है वो ब्रह्म ही सारी सृष्टि का कारण है। जिसने ये देखा उनको कहते ज्ञानी भक्त। क्या बोलते हैं?
ज्ञान मार्ग में चलने वाले भक्त, जहां उन्हें कहते हैं ज्ञानी। दो तरह के, एक है ज्ञानी भक्त और एक है केवल ज्ञानी। जो कैवल्य ज्ञानी हैं वो लोग अपने आप को भी वही देखते हैं, वो कहते हैं सोहं, मैं वही हूं। जो केवल ज्ञानी हैं, भक्त नहीं है, केवल ज्ञानी कहते हैं कि मैं, जैसे ब्रह्मा जी ने क्या देखा, मैं ज्योति स्वरूप हूं, और बाहर क्या देखा, ज्योत स्वरूप। ये पहला दर्शन हुआ ब्रह्मा जी का। तो अपने आप को उसमें प्रवेश कर गए। तो बाहर से अगर तीसरा अगर कोई होता बाई दी वे, तो क्या देखता कि ज्योति में ज्योत समा गई। लेकिन ज्योति में ज्योत समाई तो अंदर हुआ क्या, ये बाहर वाले को समझ में नहीं आता। अनहद शब्द, अनहद बाजा बजे घनेरा, अनहद नाद, ये शब्द वेदों में आए हैं। तो उसकी उसका अर्थ समझना होगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जहां ये शब्द है, जहां ये शब्द है, जहां ये प्रकाश है, यही सारे जगत का कारण है। लेकिन वह उसके आगे जाना नहीं चाहते कि आ कहां से रहा है, वहां नहीं जाना चाहते, वो उसी में रमण करना चाहते। उनको कहते हैं ज्ञानी। क्या बोलते हैं? और अगर कोई भक्त होगा तो वो शब्द जहां से आ रहा है उस शब्द की तरफ और आगे बढ़ता है। जब और आगे बढ़ता है तो वह योगी बनता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द के अंदर बड़ी दिव्यता है। वो क्या होता है? योगी। अर्थात पहले ज्ञान हुआ, फिर भगवान से योग हुआ, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ। लेकिन मिलन के बाद में खत्म हो गया तो वो योगी ज्ञान वृद्ध योगी है, वो ज्ञान युक्त योगी है। लेकिन भक्त योगी वो भी नहीं है। योगी भक्त, एक एक शब्द पे हमें ध्यान देना है। ज्ञानी, ज्ञानी भक्त, योगी, जो ज्ञानी भक्त है वो योगी होता है, और योगी, योगी भक्त, और उसके बाद है भक्त, शुद्ध भक्त। अब ये तीनों को आप लोग भगवत गीता के अनुसार थोड़ा सा मैं समझा दूं। गीता में भगवान कहते हैं तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतोधिका, कर्मी व्यास्यधिको योगी, तस्मात योगी भव अर्जुना। हे अर्जुन, तू योगी बन। कैसा योगी बन? तपस्वी भ्योधिको योगी, जो हठ योगी होते ना, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि त्रिपुटी विनाश, ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा जो करते हैं उन्हें हठ योगी कहते हैं। उन हठ योगी का दूसरा नाम है तपस्वी योगी। तप करते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए, ये है तपस्वी। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, तपस्वी से श्रेष्ठ योगी। ज्ञानी भ्यो मतोधिका, ज्ञानी से श्रेष्ठ योगी है भगवान कह रहे हैं। अब वो ज्ञानी योगी कौन से हैं? ये वो योगी हैं जो अपने आप को परमात्मा से एक समझते हैं। मैं और उसमें कोई भेद नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, जो ऐसा समझते हैं। ऐसी धारणा से जो भगवान को चाहते हैं वो हैं ज्ञानी योगी। ज्ञानी भगवान कहते हैं ज्ञान योगी, हठ योगी से ज्ञान योगी श्रेष्ठ, ज्ञान योगी से कहते हैं कर्म योगी श्रेष्ठ है। बताओ, कर्मयोगी तो सबसे नीचे होना चाहिए, कर्म से योग, योग से ज्ञान, ऐसा होना चाहिए। उल्टा भगवान क्यों बोल रहे? तपस्वी भ्योधिको योगी, ज्ञानी भ्य मतोधिका, कर्मी भ्यश्चधिको योगी, तस्मात योगी भव अर्जुना। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसने अपने कर्मों का, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पे, जिसने अपने कर्मों का
मेरे साथ योग कर दिया है वो कर्मयोगी है। मेरे साथ योग करने का मतलब अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए भोजन ना बनाकर जो मेरे लिए भोजन बना रहा है और मेरा प्रसाद पा रहा है वह योगी कर्मयोगी है। वो कर्म करते हुए भी माम निमित्तम कृतम कर्माय, मेरे निमित्त किया गया जितना भी कर्म है वही वास्तविकता में निष्काम कर्म है। भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ अर्थात कर्मणो, यज्ञ के लिए किया गया कर्म, यज्ञ मतलब स्वाहा स्वाहा वाला नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञस्मि, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है जप यज्ञ। कहते हैं जो व्यक्ति यज्ञ को समर्पित करता है, यज्ञ शिष्टा शिनशंतो मुचंते सर्व किल विषय भुंजते तीतम अघम पापा ये पचत आत्म कारणात्। ये कर्मयोगी की व्याख्या हो रही है। कर्मयोगी जो है भगवान के निमित्त सब कार्य करता है। अगर उसने पैसा कमाया किसके लिए, घर में बैठे मेरे मालिक मेरे ठाकुर के लिए। कोई बिजनेस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं, ठाकुर जी से बोलेंगे ठाकुर जी थोड़ा बिजनेस बढ़ाना है, ऐसा मैंने सोचा है, आगे तो जो होना है वो आपकी मर्जी है, इतने पैसे चाहिए। भगवान जी से पैसे लेके जाए, घरवाली जीने ना देगी। भगवान कहते हैं यज्ञ श्रेष्ठ संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भगवान कहते यज्ञ के लिए किया गया जो कर्म है वो तुम्हारे किलविष, किलविष का मतलब होता है पाप को नष्ट कर देता है। भुंजते ते त्वम अघम पापा ये पचंत आत्म कारणात, और वह लोग अपने ही किए हुए पहले के पापों का भोजन करते हैं जो लोग यज्ञ को भगवान को समर्पित नहीं हैं। इसलिए हे अर्जुन जो लोग ज्ञानी हैं वो लोग भी, जो लोग योगी तप योगी हैं वो लोग भी मुझे इतने प्रिय नहीं हैं जितना प्रिय मुझे कर्म योगी है, जो अपना कर्म करते हुए दशांश अपना दसवां हिस्सा, ये हिंदू लोग पता नहीं क्यों नहीं करते। हिंदुओं में कुछ एक प्रजातियां हैं जो कर रही हैं, जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय, जैसे जैनी, जैसे सिख, ये हिंदुओं की प्रजातियां हैं। इनमें दशांश का अपने शुद्ध कमाई में से दशांश देना ही देना है धर्म के लिए। तो दशांश जो समर्पित करते हुए यज्ञ के लिए अपने कर्मों का निर्वाह करता है वो कर्मयोगी है। भगवान संतुष्ट नहीं हुए इतने में, ध्यान दीजिएगा, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानी ज्ञानेभ्यो मतोधिका कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, फिर कोई और योगी भी बच गया क्या? तस्मात योगी भव अर्जुना, ए अर्जुन तू वो वाला योगी बन। कौन सा वो वाला योगी बन? अब वो वाला योगी कौन सा है? वो योगी है योगी नाम अपि सर्वेशां मद गति नंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता, जो मेरे को समर्पित होके मेरा भजन करते हुए अपनी आत्मा को मुझे, आत्मा को समर्पित कर देता है। कर्म तो सारे समर्पित हो ही जाते हैं, स मे युक्त तमो मता वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये बात जो भगवान ने कही उससे पता लगता है कि ये बोलने वाला कोई है, निराकार नहीं है। जो लोग कहते ना निराकार ही सबका कारण है, उनके लिए बात बतला रहा हूं। ये निराकार ने नहीं बोली है, ये भगवान ने बोली। भगवान का प्रकाश बात नहीं करता,
भगवान के प्रकाश को पाके ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अज्ञान दूर हो सकता है, लेकिन भगवान के बात करने के बाद में फिर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवान कहते हैं छाती पे हाथ रख के, मैं ही हूं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही हूं सभी यज्ञों का मालिक। किसी ने नहीं बोला, किसी अवतार ने नहीं बोला इस बात को, केवल कृष्ण ने कहा। भागवत जी में जब सभी अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, करते करते सुखदेव जी ने कहा इति चांश कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी तक मैंने जो तुम्हें बतलाया कुर्म अवतार, वामन अवतार, ये जितने अवतार बतलाए ये सारे के सारे कोई अंश हैं, अंश अवतार, कोई अंश का अंश कला अवतार, कोई अंश के अंश का अंश गुणावतार है। अब ध्यान दीजिएगा, अंश, अंश का अंश और अंश के अंश का अंश कला गुणावतार। अंश कहते हैं हीरे का टुकड़ा, हीरा, इसे कहते हैं अंश। अंश सोने के टुकड़े को सोना ही कहा जाएगा, है ना, हीरे के टुकड़े को हीरा ही कहा जाएगा, लेकिन हीरे से निकल रही जो चमक है, जो किरणें निकलती हैं उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं, जो वो किरणें निकल किससे रही हैं, हीरे से। हीरे से निकल रही किरणों को हीरा नहीं कहते हैं, हीरे की किरणें कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आगे कहते हैं कि उस किरणों को अगर किसी ने फोटो खींच ली हो तो वो गुणावतार हो गए, मतलब प्रकाश का विवरण करने वाले, प्रकाश का प्रकाशन करने वाले, भगवान के दिव्य प्रकाश का प्रकाशन प्रचार करने वाले, वो क्या हो गए, गुण हो गए भगवान के, भगवान के गुणावतार। ठीक है जी, कला अवतार और अंश अवतार हैं भगवान के, जो साक्षात भगवान ही हैं। तो भगवान ने कहा इस सृष्टि की आदि में मैं था, जब कुछ नहीं था तो मैं था, मैं बोलने वाला साक्षात स्वरूप है। और कहते हैं सद असद परम, यह बड़ी सुंदर एक बात है, ना अन्यत यत सत असत परम। असत का मतलब होता है जितने भी लोक हैं, आ ब्रह्मांड भुवना लोका, ब्रह्मा जी के लोक से जितने प्लैनेट्स देख रहे हो, जितने नक्षत्र देख रहे हो, सारे के सारे नक्षत्र कुछ समय पहले किसी समय नहीं थे, अभी हैं और किसी समय ये नहीं रहेंगी, ये है असद। क्या है असद, जो हमेशा ना रहे, जो सत्य ना हो, उसे कहते असद। भगवान ने बड़ी विचित्र बात यहां कही है, ब्रह्मा जी की कल्पना में ब्रह्मा जी अपने ही ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे थे, ये सुनते ही उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों के रूप को देख लिया कि वो नक्षत्र क्या है, वो जैसे क्या है सोचा, वहां प्रवेश कर गए और वहां देखा इतना दिव्य, वो ब्रह्मा जी तो ये चार मुख वाले हैं, चार मुख वाले बने कैसे, हुए कैसे, जब निकले तो इधर देखें तो उधर ही रह गए, इधर क्या दिव्य प्रकाश, इधर देखा तो इधर रह गए, मतलब एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ था ब्रह्मा जी का। ये चार मुख का मतलब कई लोग इसका अनर्थ करते हैं, जी वो तो चारों तरफ सोचने वाले हैं इसलिए चार मुख, ना, वास्तविकता में चारों दिशाओं में जो देख सके उसे, आठ उनके नेत्र हैं तो अष्ट दिक, आठ दृष्टियां हैं ना, जैसे मैं यहां देख रहा हूं तो मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये अष्ट दिक, चार सिर हैं, चार मुख्य और अष्ट दिक उनकी दिशाएं हैं। उन्होंने चारों तरफ जब देखा
तो उनके चतुर्मुख ब्रह्मा, लेकिन जब दूसरे प्लेनेट को देखा, उन्होंने दूसरी गैलेक्सी को देखा, उसको देख करके इच्छा की क्या है, जो वो क्या है बोला, भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को ये अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने वहां होने वाली जो सृष्टि है उसको देख लिया और देखा, बाप रे मेरे तो चार ही सिर हैं या तो हजार सिर हैं, घूम गया माथा, ये क्या। भगवान कहते हैं सत असत परम, मैं जब कुछ नहीं, ये असत जगत जो दिखलाई दे रहा है, जो अशेष जगत दिखलाई दे रहा है, जिसका किनारा नहीं दिखाई देता, कहते वह जब नहीं था तब मैं था, लेकिन सत असत से परे तो हो गया, सत से भी परे मैं हूं। अब ध्यान देने वाली बात है, ये सत से परे क्या हुआ, असत तो संसार हो गया, सत मतलब परमात्मा, तो परमात्मा से भी परे आप हैं, नहीं। ध्यान से सुनिएगा, सत है ब्रह्म ज्योति, क्या है ब्रह्म ज्योति, उस ब्रह्म ज्योति से परे मैं हूं, समझ लगी। ब्रह्म ज्योति के लिए जो लोग दीवाने हैं, जो उस ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं, क्यों, क्योंकि ज्योति साधारण थोड़ी है। ज्योति के विषय में वर्णन है कि ये ज्योति से ब्रह्मा हुए, इस ज्योति से विष्णु हुए, इस ज्योति से शिव हुए, कौन सी, ब्रह्म ज्योति से। ले अभी तो आप बोल रहे थे विष्णु भगवान जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अभी बोल रहे हैं कि जी वो ज्योति से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। आज मैं ना कुछ एक पुराणों की बात को उठा करके उसका निचोड़ देने वाला हूं, फिर निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिए। दो मिनट के लिए कीर्तन करूंगा, आप सब लोग ये पूरी आगे वाली जगह खत्म कर देंगे, बिल्कुल आगे वाली जगह खत्म कर देंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, आगे आगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, खत्म कर दे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल।
डूबत भवत्रासते राख लीजिए। ब्रह्म कहा, लेकिन उस ब्रह्म ने जब बात की ब्रह्मा जी से, प्रकट हो करके भगवान ये बात कहते ब्रह्मा जी को, जब कोई नहीं था जग में, जग भी का अस्तित्व यहां, जिस प्रकाश से सारी सृष्टि होती है, दुनिया उस प्रकाश को जानती है, लेकिन इस प्रकाश से पहले मैं प्रकाशक हूं, जिस प्रकाश रहेगा तो मैं ही रहूंगा। प्यारे मेरे प्यारे ब्रह्मा, इस सृष्टि के ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जब ध्यान करते उन विष्णु का जी ने इस बात को समझा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिया सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी ने देखा मैं ब्रह्मा जिनसे हुआ वो वहां पे हैं, फिर मेरे साथ ये विष्णु कौन से हैं। शिव ये कौन से हैं, आश्चर्यचकित हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। वो कौन है, वो कौन है जो आदि अन
अनंत अखंड है, जो सृष्टि से पहले भी था, जो सृष्टि के अंत में भी है। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, जिनका ध्यान भरत शिव विष्णु भी ध्यान धरा करते हैं। मैं ब्रह्मा ऋषियों के संग में, जिनका नाम जपा करते हैं। वो कौन है, वो शिवजी ने ब्रह्मा जी पे कृपा की, विष्णु भगवान ने कृपा की और ब्रह्मा जी उनकी कृपा से तपस्या करने लगे और उन्हीं तपस्या के प्रभाव से अनादि अनंत जो विष्णु से भी परात्पर पर ब्रह्म कृष्ण है, वो प्रकटे ब्रह्मा के दिन में एक बार दर्शन देने को, एक बार दर्शन देने को, एक बार ब्रह्मा जी के दिन में। ध्यान दीजिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्म नहीं पर ब्रह्म नहीं, परात्पर पर ब्रह्म, इससे ऊपर कोई भी अवतार नहीं है, कोई भी अवतारी नहीं है। उन श्री कृष्ण ने एक बार दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। ये कृष्ण कौन है? ये कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं, विष्णु के अवतार जो कृष्ण हैं, वह कृष्ण ब्रह्मा जी के देवताओं के निवेदन करने पर ब्रह्मा जी के एक दिन में 999 बार आते हैं। बोलो वृंदावन। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? 43,20,000 को 1,000 से गुना कर दो, कितना हुआ? 43,20,000 को 1,000 से गुना कर दो, कितना हुआ? इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन है। मतलब ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। मनु, मनु का मतलब होता है जो मन से उत्पन्न करता है सृष्टि को। प्रत्येक मनु के समाप्त होने पर एक खंड प्रलय होती है। क्या होती है? कुछ शब्दों को आप लोग भी रिवीजन करो, क्योंकि भविष्य में कभी इस उम्र में कभी दोबारा सुनने को मिल जाए तो आपको याद आ जाएगा। खंड प्रलय होती है। खंड प्रलय कैसे होती है? मान लो कि सारे विश्ववासियों का, हमारे धरती के मनुष्यों का माथा खराब हो जाए और वर्ल्ड वार हो जाए,
और जितना जिसके पास पड़ा हुआ है परमाणु ऊर्जा सारी नष्ट कर दें मर के लड़के। मान लो ऐसा हो जाए तो बचेगा पता क्या? आग ही आग। इतना भयंकर है ये न्यूक्लियर शक्ति परमाणु ऊर्जा। इस परमाणु ऊर्जा का जब बहुत ज्यादा विस्तार होता है तो एक प्रकार से विस्फोट होता है, और वह विस्फोट कई बार अग्नि के रूप में होता है, कई बार जल के रूप में होता है, कई बार हवा के रूप में होता है। तो वह सृष्टि को उथल पुथल कर देता है, और फिर जब नए मनु आते हैं उनका राज्य चालू होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में लगभग 71, 70, 72 अलग अलग बार चार युग बीतते हैं। हर युग का एक उम्र है। कुछ लोग बुद्धिमान कहूंगा उनको, मजबूरी है कहना, वो बुद्धिमान लोग बोलते हैं कि 1250 साल का एक युग होता है। मैंने उनको बोला कि भगवान श्री कृष्ण फिर किस युग में आए? बोलने लगे सतयुग में। मैंने कहा कैसे? मैं कह भगवान को आए 5,117-18 वर्ष हो गए, तो भगवान कब आए उनकी दृष्टि में? कब आए? सतयुग में। मैंने कहा सारे शास्त्र बोल रहे द्वापर में आए, तुम ही एक ऐसे हो अजूबे जो सतयुग में। त्रेता भगवान राम कब आए? तो तुम्हारे हिसाब से तो कलयुग में आए होंगे। कि भी उनके ध्यान दीजिए 1250 साल का वो बोलते हैं एक युग है, कलयुग 1250 साल पहले शुरू हुआ उनके हिसाब से। इससे पहले द्वापर था, 1250 साल पहले मतलब कितना हो गया 2500 साल। 2500 साल पहले उनके हिसाब से क्या था? द्वापर है? और उसके बाद में फिर मिला दीजिए 1250-2500 में, साढ़े सैंतीस सौ साल पहले उनके हिसाब से त्रेता युग था, और 5000 साल पहले उनके हिसाब से सतयुग था। तो सतयुग के बाद फिर कलयुग होना चाहिए ऐसे, तो अगर उल्टा चलो तो सतयुग त्रेता द्वापर कली फिर सतयुग होना चाहिए, ऐसे तो होगा। अब सतयुग के पीछे अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा? कलयुग। तो भगवान राम क्या कलयुग में हुए थे? वो बेचारे इतने इनोसेंट हैं, इतने सिद्ध हैं, उनको मानने वाले सारे के सारे बोलते 1250 साल ही है जी एक युग की उम्र। शास्त्र बोल रहे हैं कलयुग की उम्र 432,000 सूर्य वर्ष, चंद्र वर्ष नहीं, दो वर्ष होते हैं हमारे भारतीय जो गणित शास्त्र है, भारतीय ज्योतिष में दो प्रकार के वर्ष हैं, एक है चंद्र वर्ष एक है सूर्य वर्ष। सूर्य वर्ष होता है 365 दिन का, इस प्रकार से सूर्य वर्ष होता है जो कि बदलता नहीं है। लेकिन चंद्र वर्ष हमेशा बदलते हैं, इसी के कारण आपकी जो तिथियां आती ना जन्माष्टमी 2 दिन ले एवं 2 दिन कितना हो गई, इसलिए होती है। नक्षत्रों से बनता है चंद्र का समय, तो चंद्र के अनुसार नहीं सूरज के अनुसार सूर्य वर्ष 432,000 साल का कलयुग है। अभी कलयुग की शुरुआत है, अभी कलयुग ने खड़ा होना सीखा है। बोलो वृंदावन। अभी सिर्फ 5,200 कुछ वर्ष बीते हैं कलयुग को, 216 ना 17 इस प्रकार से जो भी है, मात्र इतने बीते हैं, अभी बाकी है 432 में से कम कर दीजिए 26,000, 426,000 साल अभी भी बाकी हैं। वृंदावन
ओ महाराज हुण इन्ना गंद पिया होया है अगे की होगा मोबाइल नहीं होंगे तब ऐसे सोचेंगे ना क्लिक चल भाई वहां पे बत्ती गुल मोबाइल का युग नहीं रहेगा था कलयुग के अंत में मोबाइल का युग नहीं होगा कलयुग के अंत में याद रखना शास्त्र जो हमारे कहते हैं बात सत्य होती है कलयुग के अंत में किसी भी तरह की जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं सब नष्ट हो जाएगा उस वक्त पुनः फिर तलवार वाला युग होगा ये शास्त्रों की बात है क्यों क्योंकि अभी देख लो ना कितनी गर्मी चढ़ी हुई है हमेशा ही हमारे बगल वाले देश जो हैं एक बड़ा है एक छोटा बच्चा है हमको खाने के लिए दौड़ रहे हैं हमेशा काम नहीं है कोई उनको हम शांति से भजन कर रहे हैं वो कहते ले भजन कर रहा चल अंदर घुस लेकिन भगवान की कृपा है देश की रक्षा करने वाले भगवान के दास भक्त लोग हैं इसलिए कोई डर नहीं है अभी अभी तो दूसरे देश वाले वो भी बोलते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ पे आके थोड़ा सा समझौता करवा दो वृंदावन विषय पे वापस आए इस भगवान की सृष्टि में जो कुछ हम देख रहे हैं ब्रह्मा के एक दिन के अंदर भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण वो श्री कृष्ण आते हैं जिन कृष्ण से कारणो दिशाई विष्णु ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ बोलने लगा कारणो दिशाई विष्णु कारणो दिशाई विष्णु से गर्भो दिशाई विष्णु गर्भो दिशाई वो गर्भो दिशाई विष्णु से फिर ब्रह्मांड और ब्रह्मांडों में फिर एक एक ब्रह्मांड में क्षीरो दिशाई विष्णु क्षीरोधिशाई क्षीर सागर वाले विष्णु प्रकट होते हैं ये कहां लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण कहां लिखा ब्रह्म वैवर्त पुराण जहां ब्रह्मा को ब्रह्म ज्योति का विवर्त दिखलाई दिया उसका परिवर्तन होता दिखलाई दिया वो है ब्रह्म वैवर्त पुराण इसके अलावा और कहां लिखा है ब्रह्म पुराण आदि पुराण जिसे कहते हैं वो आदि पुराण में इसका वर्णन है कि अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण जिनका ध्यान क्षीरोदिशाई विष्णु गर्भोदिशाई विष्णु कारणोदिशाई विष्णु करते हैं वह श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उनके एक दिन में एक बार आते और हम सबका सौभाग्य है कि ये वाला जो द्वापर युग गया था 5000 कुछ सौ साल पहले जो द्वापर युग गया इस 5117 है ना 120 18 20 जो भी है साल पहले जो द्वापर युग गया उसमें वो गोलोक वाले श्री कृष्ण आए क्यों आए जी वो क्योंकि ये ब्रह्मा जी का मिड डे है ब्रह्मा जी का दोपहर का टाइम है ब्रह्मा जी का मतलब सात मनुओं का टाइम निकल गया सात मनुओं के बाद में 28 चतुर्युग निकल गए 28वीं चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण आते हैं हम सबका सौभाग्य है कि इसी द्वापर युग के तुरंत बाद जो कलयुग आता है उसमें वही श्री कृष्ण अपना प्रेम प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य स्वरूप से आते हैं बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की तो ये ब्रह्मा जी की जो हमने अभी थोड़ी सी लीला सुनी उसका भी शुरुआत हुई थी आपके ऊपर से निकल गई क्योंकि बाकियों के तो ऊपर से निकलनी है क्योंकि टाइम से आ रहे हैं जो पहले से बैठे हैं उनको कुछ समझ आया होगा क्योंकि जो शुरू से सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली एक एक चीज समझ आई होगी क्योंकि बड़े ही धीर स्थिर होके मैंने कोशिश की है समझाने की और जो अभी आए हैं उन लोगों के लिए मोटी मोटी बात समझा दूं श्री कृष्ण जी भगवान कृष्ण
ये विष्णु भगवान के अवतार नहीं ने। विष्णु भगवान जड़े हुए ना वो बहुत विष्णु ने, उन्हां विचों तीन विष्णु वड्डे ने, एक कारण दिशाई विष्णु, एक गर्भ दिशाई विष्णु, एक चिरु दिशाई विष्णु। ये तीनों जड़े हुए ने ये मूल संकर्षण तो हुए ने, मूल संकर्षण भगवान कृष्ण जी तो हुए ने। यह मोटी गल समझ आ गई होनी तुहानू। बोलो वृंदावन और क्या करे। ध्यान दीजिए, सृष्टि का आदि ब्रह्मा है, सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा जी से हुई, उन ब्रह्मा जी को भगवान अपना ज्ञान देते हुए ये बात कह रहे हैं। आगे इसमें भगवान ने और बहुत कुछ कहा है लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता। अच्छा, आपसे मैं अगर कहूं कि देखो जी, अच्छा आदमी वो है जो कमा के खाए, तो आप क्या कहेंगे? महाराज जी आप सही बोल रहे हैं ना, लेकिन ध्यान देना, आप इसी आदमी को अभी बुरा बोलोगे, क्योंकि वो कमा के खाता ही है, घर वाले नु खान नहीं दिंदा। अब बताओ आप इसको अच्छा बोलोगे? तो ज्यादा अच्छा कौन हुआ, जो खाता है और घर वालों को? कंजूस नहीं, मक्खी चूस नहीं। वो मक्खी चूस का पता है मतलब? नहीं पता मक्खी चूस? हे राम, मैं जब उसका मतलब सुना ना, हे राम, दूध पी रहा मक्खी गिरी, मक्खी को निकाला चूस गया, मैं सुन के हैरान रह गया। इसको मक्खी चूस कहते हैं, मतलब इतना बंदा भी पैसे के लिए मरता होगा। कंजूस मक्खी चूस का मतलब ये है। ऐसे भी लोग आपके अगल बगल में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बोलो वृंदावन। आपका परिवार पालन करने वाले आपके पिता, आपके पति, आपकी पत्नी, अपने परिवार को छोड़ के अपने भाई, अपने बहनों और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बताओ आप इस परिवार को अच्छा मानोगे? बोलिए, ऐसे 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 कुछ करो। नहीं ना, अगर कोई ऐसा हो अपने परिवार के अलावा, अपने चाचे ताऊ भाई बहनों को सबका ख्याल रखता हो, कितना अच्छा है ना, सबसे अच्छा है कि नहीं? वो सबसे अच्छा है ना। क्यों सबसे अच्छा? क्योंकि मैंने अभी जो बतलाते आ रहा हूं उनसे सबसे अच्छा वो है। जिस तरीके से मैं एक एक स्टेप लेते आ रहा हूं, सबसे अच्छा है कि नहीं? बोलो। अब सुन भी नहीं रहे कथा को, कहां बीच में है जी? ये भी एंटरटेनमेंट है हमारा, ये भी आनंद देने के लिए भगवान ने एक अपना प्रकट किया हुआ है जी। ध्यान देना, एक एक बात के ऊपर ध्यान देंगे तब समझ में आएगा, ऐसे बीच में बोलने से नहीं होता। मैं बोल रहा हूं जो अपने परिवार के अलावा अपने चाचे ताई भाई बहनों का सबका ख्याल लगता है और भगवान ने उसको संपन्न किया हुआ है, उसके पास है और कर रहा है, वो अच्छा है ना, सबसे अच्छा। उस वो अच्छा नहीं लगेगा आपको जब वो अपने समाज के लिए नहीं करेगा, है कि नहीं? अगर वो समाज के लिए कर रहा है आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर वो अपने राज्य के लिए नहीं कर रहा। ओ तालियां ना मारो, रुक जाओ, ऐवी बच्चा मारी जाता है, तुसी मारी जाते, उन्हें पता नहीं लग रहा, थानू पता नहीं लग रहा, ताली बजनी तो बजाती बस। ध्यान दीजिए, जो अपने राज्य का केवल ख्याल रखता है, जैसे आज कल हो रहा है, मेरा बंगाल, मेरा पंजाब, मेरा हरियाणा, मेरी यूपी, ये जो चल रहा है ना, ये जो मेरा मेरा करके लड़ाइयां करवा रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने वाले भाइयों से, आप उनको अच्छा मानते हो? जो कहता है मेरा भारत, मेरे भारतवासी,
वो अच्छा है कि नहीं? नहीं। आगे देखो कैसे, ध्यान देना। अगर मेरा भारत और मेरे भारतवासी कह करके मैं दूसरे देश के ऊपर अटैक करने के लिए जाऊं तो क्या अच्छा हूं? नहीं अच्छा है। मेरा विश्व सारा वसुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व ही कुटुंब है हमारा, इस भाव को लेके चलने वाले ऋषि लोग वही वास्तविकता में अच्छे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं एक आदमी अपने घर में बैठ करके माला करता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा इतना नहीं है जितना माला करते हुए बोल करके करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, क्योंकि वो जो बोल के कर रहा तो उसके परिवार वाले लोग भी सुन रहे, वहां रहने वाले जीवों का भी फायदा, वो कंजूस नहीं है अपने। चार आदमी देखते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं, 10 आदमी देखते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं, उस सबका फायदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है, उनसे जो केवल अपना भजन करते हैं, है ना। लेकिन ये भी इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि जो नहीं आ सकता उसको जाके उसके घर के पास जाके वो हरि नाम करवा दे, वो सबसे अच्छा है ना। तो आप वो सबसे अच्छा बनना चाहते हो? फंस गए सारे के सारे। आप सबसे अच्छा बनना चाहते हो? जो नहीं चाहता हाथ खड़ा करे, सबके बीच में पता तो लगे कि सब अच्छा नहीं, ये बनना नहीं चाहता। मेरा मेरे दोस्त भी यहां कहीं बैठे हैं लंगोटी यार, तो वो नहीं बनना चाहेंगे। क्यों? मैं आगे जो बोलने जा रहा हूं उसमें उनको शर्म आएगी, क्योंकि याद रहे जो सबको साथ लेकर के चलेगा, सबका कल्याण चाहेगा, वो उस गली गली में नगर नगर में जाएगा, जाके कहेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से हाथ खड़े करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान दीजिए, नगर संकीर्तन रथ यात्रा आने वाली है, कंजूसो घर में मत रहना। जो आदमी घर में रहेगा वो अरे धन मिला है भगवान का आपको, कीर्तन करने का आपको सामर्थ्य मिला है, और आप सारे सत्संगी हो, ऐसे थोड़ी आए हो। किसके घर में प्रसाद नहीं है, खाना नहीं है? सबके घर में ठाकुर जी ने दिया है, या खाने के लिए नहीं आए आप लोग? आपके अंदर प्रेम है, समय नहीं मिल पा रहा इसलिए थोड़ा देरी से आ रहे हो, टाइम नहीं मिल पा रहा देरी से। हाँ कई बेईमान जरूर हैं जो लोग एपिसोड देख के आ रहे हैं, बोलो वृंदावन। आपके जलंधर में प्रभु जी रूट क्या था? अब बता दे रूट, बता दीजिए। आज हमारे पूर्व आचार्य, मेरे गुरु जी के बाद जो आचार्य हुए, परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज जी का आज प्रकट दिन है। आज उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। ये एक ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे गुरु जी के बाद जो आए, ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हजारों लोगों को दिन में कम से कम 8 घंटे 6 घंटे हरि नाम की लत लगा दी।
लत देखो, लत लत लगा दो, मतलब ये इनके हाथों से माला छूटती किसी ने नहीं देखी। और मेरे को बड़े प्यार से कई बार डांटते थे क्योंकि मैं 2007 में गोवर्धन आ गया था, बहुत मतलब कान पकड़ के, तू क्यों गया, वापस आ जा। मैंने कहा महाराज मेरे दूरी रहने से अच्छा है, प्यार ज्यादा बढ़ता है। नहीं हरिनाम कर। मैंने कहा महाराज आपके कृपा से कर। नहीं हरिनाम कर। इतना प्रेशर देते थे हरिनाम में। ऐसे संत मिलने दुर्लभ हैं संसार में। तो आज उनका आविर्भाव दिन है, हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करें जिससे कि हम आपके सेवा को कर पाए। आपका जो नगर संकीर्तन है वो 26 तारीख को, कितनी तारीख को, 26 तारीख को यहां से शुरू होगा, ठीक 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। दोबारा बोलना, 4:30 ना समझियो, ये थोड़े 4 नहीं है, ये मेरे 4 ने। 3:30 बजे ठाकुर जी तैयार हो जाएंगे रथ में चढ़ने के लिए, ठीक है। और यहां से रथ यात्रा निकलेगी, रथ रहेगा, आप खींचेंगे, आपका सौभाग्य है। राधा गोविंद जी हमारे विराजमान हैं, ये जाएंगे रथ को आप खींचते हुए, गाते हुए, सुनाते हुए, उनको उनकी मस्ती में मस्त होते हुए आप निकलेंगे। कल्पना करो घर में कंजूसों की तरह बैठे हुए, क्या फायदा। एक दिन शनिवार का दिन है, एक दिन थोड़ा दुकान को संभलवा के, थानू कह रहा इन्होंने दुकान च नहीं जाना किसी ने, थोड़ा घर को संभलवा के आप लोग आ जाओ, ठीक 4 मतलब 4 हम 3:30 बजे तैयार हो जाएंगे। और जो 3:30 बजे आ जाएंगे, ठाकुर जी को यहाँ से ले जाने की विधि, ठाकुर जी को यहाँ से रथ में ले जाके भोग लगाने की विधि, आरती करने की, वो सारी विधि का दर्शन करेंगे 3:30 बजे जो आएंगे। 4 बजे हम निकलेंगे, ये मदन फ्लोर मिल, अब तो इसका नाम बदल गया, नए बच्चों को पता नहीं, सेंटर सेंट्रल ग्रीन जो भी हो गया हमारे, हाँ फूड बाजार, हमारे टाइम पे जो मदन फ्लोर मिल थी, वहाँ से निकलेंगे तो सेंट्रल टाउन के अंदर घुस जाएंगे, वहाँ गुरुद्वारा है सेंट्रल टाउन वाला गुरुद्वारा, वहाँ से निकलेंगे सीधा मिलाप चौक, मिलाप चौक जो वो जो ताजमहल जो होटल है ना, राजमहल सॉरी, उस राजमहल से मुड़ जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक की दुकानें हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें, फगवाड़ा गेट, भगत सिंह चौक, वहां से फिर रेलवे रोड वाली जो मंडी की तरफ आने वाली रोड है उस तरफ लक्ष्मी सिनेमा से फिर अंदर आएंगे, फिर ये मंडी रोड जो है, ये मंडी रोड वाले बैठे हुए सारे लाले, वो पहले ठीक करवा लेंगे कि भैया कोई नहीं, यहाँ गाड़ी रहेगी, अंदर कर लो, ठाकुर जी का रथ आएगा, आप सब ने कंजूस ले, 4 जने बोल ले। वो बड़ी एक प्यारी बात एक बुजुर्ग ने कही थी, हम बचपन में सुनी थी, कहंदे खारे खूं कदी मिठे नहीं होंदे, खारे खूं कदी मिठे नहीं होंदे, चाहे कुट कुट मिश्री पा। अगे उन्होंने गाल कढ़ी, बेअकलां नूं अकल नहीं आने चाहे कोठे चढ़ समझा। मैं आप तो सारे अकलमंद हैं लेकिन मंद अकल ना हो। बोलो वृंदावन। अच्छा अब मैं एक एक हाथ खड़ा करना, दो नहीं, मेरे को लगे ज्यादा बैठे, जो जो आएंगे देख लिया मैंने और मैं देखूंगा भी। ओ देखो उधर वाले नहीं आएंगे, डर के मारे मत खड़ा करो भैया। बोलो वृंदावन। जो बुजुर्ग हैं, जो नंगे पैर चल सकते हैं, जवान नंगे पैर चलें, बुजुर्ग चप्पल पहन के चलें क्योंकि कमजोर शरीर रहता है, तो कई बार जो चप्पल नहीं पहन के चले
वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम भगवान के नाम संकीर्तन को करते हुए ये पेड़ पौधे बिचारे कर नहीं सकते, ये जीव जंतु कर नहीं सकते, ये सुन सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर वो सुन सकते तुम सुना क्यों नहीं सकते हो, क्योंकि तुम कर सकते हो। इसलिए हमें उस दिन याद रखना है अपने शरीर से भगवान की सेवा करते करते इन जीवों के कानों में भी भगवान का नाम डालना है। बोलो वृंदावन। बहुत दिन बीते स्वामिनी मत सु भैया हाँ क्या बोला? तुझे भूख लगी है भैया? प्रसाद शुरू हो गया है, हम लोग 10-15 मिनट कीर्तन करेंगे, जिसने जाना है वो जाए। क्योंकि बाहर का शोर अंदर आ रहा है, अंदर का आनंद बाहर जाना चाहिए, बाहर का शोर अंदर नहीं आना चाहिए। आप लोग एक बार जय जय श्री राधे कह के उठेंगे। जय जय श्री राधे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सेवा जो है हमारे सुतेव विज जी परिवार की तरफ से, तो इस संकीर्तन के बाद आरती के लिए कृपया विज परिवार आगे आ जाएंगे। उसके उपरांत हमारे बीच में अध्यक्ष जी हैं जो 21 अप्रैल से 24 अप्रैल के लिए धाम यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, बस से ले जा रहे हैं। तो अध्यक्ष जी से प्रार्थना है कृपया खड़े हो जाएंगे। हरे कृष्ण वृंदावन। और हमारे बीच में श्री नवल किशोर जी कंबोज, जो कि किसी भी धर्म की पहचान में मोहताज है। उसका कारण ये है कि ये सनातन धर्म की ध्वजा उठाए हुए, तो ये हमारे लिए बड़ी ही खुशी की बात है आज हमारे बीच में बैठे हैं। तो कीर्तन के उपरांत भिक्षा से प्रार्थना करूंगा वो आठ के लिए आगे करेंगे। स्वामिनी सेंटर करो इसको, सेंटर करो, सेंटर करो, सेंटर कर दो इसको। कितना कुछ गड़बड़ हुई है भाई। और स्वामिनी हार गयो मनाते शाम को,
माने ना मन की करे। स्वामिनी हार गयो, हार गयो, मनाते शाम को माने ना मन की करे। उद्धार करे ना क्यों मेरो स्वामिनी, काहे को मन में मान करे। माने ना मन की शाम करे। जब हार गयो तब तुम्हारी शरण में आया हूं, यूं ही नहीं आया श्री जी, मैं यूं ही नहीं आया राधे, गुरु जी का मैं लाया हूं। अब मौसों कहूं ना जाऊं शरण में शाम की, हे सुन राधे। हे राधा रानी मुझसे अब मत कहो, हे भैया आवाज नहीं आनी चाहिए, बाहर निकल जाओ। अब मुझसे कहो ना हे राधे, सेवा करूं मैं शाम की, जब हार गयो पची पची के मैं, तब और शरण नहीं जान की। अब और शरण में नहीं जा रहा, फिर आप मुझे क्यों कहते हो कि मेरे स्वामी श्याम हैं? होंगे आपके स्वामी श्याम, हमारी तो ना सुन रहे। ये तो बता बरसाने बारी, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, ये तो बता छोड़ दूं मैं तेरी दया।
तो बता, ये तो बता दो, ये तो बता दो राधे, ये तो बता दो, श्याम शरण है के आयो। रोयो बहुत मैं, रोयो बहुत, मनायो बहुत, वो हंस तो रहो नहीं आयो, मुँह से कहो आने इतनी इतनी ऐसी ऐसी, क्या कहूं स्वामिनी कैसी कैसी, मोसो के हुआ श्याम ने कि मोही कपटी छल छिद्र ना भावे, हे मेरी स्वामिनी राधिके तो बताओ ये पतित कहाँ जावे, तो बताओ ये पतित कहाँ मधुसूदन नारी झोए गोतो से, मधुसूदन नारी झे गोत, गुरुजी ने कहा हे मधुसूदन, वो मधुसूदन तेरे से रिझेगा नहीं, तू रो रो करके क्यों जीवन बर्बाद करता है, चल आ चल आ चल आ चल आ चल आ चल आ संग मेरे तू स्वामिनी के दर जाए, श्री स्वामिनी के, श्री स्वामिनी के, हे हे श्री राधे, हे श्री राधे गुरु जी से,
ये प्यार भरा ये प्यार भरा ये प्यार भरा तेरा दर पाए ये प्यार भरा तेरा दर से ना कहो श्री राधिके मेरो दर छोड़ तू जाए शाम पा अब आयो तिहारे दर पे मैं घर शाम ने मिलना है तो आपके संग ही मिले अब बाकी हमें दरकार नहीं अगर आपके संग है तो वो शाम सुंदर है नहीं तो ऐसे शाम की हमें कोई दरकार नहीं ये तो बता दो बरसाने वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दो अपराध क्या कहीं ये जमी आसमान न जाए ना पूछो किए मैंने अपराध क्या क्या कहीं ये जमी आसमान न जाए ना पूछो किए मैंने अपराध क्या क्या कहीं ये जमीन मार न जाए ना पूछो किए मैं अपराध क्या क्या कहीं ये जमीन जब तक श्री राध दर्शन न दोगी जब तक श्री राधे जब तक श्री राधे क्षमा न करोगी जब तक श्री राधे Oh,
श्री राधे जय श्री राधे 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 कि वो कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु गोविंद राधा गोकुलानंद देव की जय। जय राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधा माधव भगवान की। जय परम पूज्य।